बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने दिया है जमीन से कब्जा हटाने का आदेश, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है। हल्द्वानी की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाना है। जमीन पर 4,365 लोगों ने बनाए हैं अपने मकान, और इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी है वो अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो 2.2 किलोमीटर इलाके में फैली गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर अगर हम बात करें जिस तरह से 50,000 लोगों की किस्मत जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में फैसले को लेकर ये कहा जा सकता है कि ये कोई आम सुनवाई नहीं होने वाली। इस सुनवाई के साथ हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ये एक सुनवाई तय करेगी कि हल्द्वानी के जो 50,000 लोग हैं उनका आशियाना बच पाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच 8 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले को समझिए। हल्द्वानी की पहली तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे हैं, और जिस जमीन को लेकर, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कहा जा रहा है, वो जमीन जो है वो रेलवे की बताई जा रही है, रेलवे की जमीन है। और अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर किस तरह से फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है, अब पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, और इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आना है। लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों के घर, 50,000 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है, कांग्रेस अगर हम बात करें उत्तराखंड के पूर्व सीएम की तरफ से 1 घंटे का मौन हरीश रावत ने अपने आवास पर किया। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 60,000 जो लोग हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताराचंद जोशी, अपने आप में बेहद अहम है ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो आज अतिक्रमण हटेगा या फिर लोगों की दुआएं जो है वो कबूल होगी? 50,000 लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी और कब तक फैसला सुनाया जा सकता है इस मामले को लेकर? जी देखिए, बहुत ही अहम दिन है आज अतिक्रमणकारियों के लिए, क्योंकि जो रेलवे का अतिक्रमण है बहुत बड़ी संख्या में अतिक्रमण है, और 4,365 घरों को यहां से हटाया जाना है, तो एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि वो लोग सड़क पर हैं और सरकारों से और कोर्ट पर अब उनकी आस्था है कि कोर्ट से उनको जरूर राहत मिलेगी। सर्दी का मौसम है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, और अब सब यही दुआ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिले। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आज बहुत ही अहम फैसला साबित होगा, क्योंकि आज ही ये तय हो पाएगा कि ये अतिक्रमण यहां से हटाया जाएगा या नहीं। बहुत ही अहम दिन है आज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सारे लोग भारी ठंड के बावजूद अभी भी काफ़ी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और सबका आपस में सब यही बात कर रहे हैं कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का फैसला उनके हक में आएगा, और उनको उम्मीद है कि जरूर सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, और आने वाले वक्त में क्या ये होगा, किस तरह से होगा, रेलवे क्या इस अतिक्रमण को खाली करेगी, ये आज तय हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 10:30 बजे। चलिए ठीक है तारा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी से जुड़ी। अतिक्रमण मामले पर सियासत जो है वो भी लगातार हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है, परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य बेहद दुखद है। मायावती कह रही है सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहा गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो वहां पर पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 50,000 लोगों की जिंदगियां, 4,500 से ज्यादा घर दांव पर लगे हुए हैं, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, और नजर सभी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। तारा, अगर जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर समझा जाए, और शुरुआती दौर में अगर इस पूरे मामले को हम देखें 2016 में, जब तत्कालीन उस समय की सरकार की तरफ से ये पूरी जमीन को लेकर कहा गया था कि ये जमीन सरकार की है, तमाम सरकारी स्कूल, तमाम प्राइवेट स्कूल, तमाम हॉस्पिटल, क्या इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही सरकार की तरफ से नहीं है कि आज 50,000 लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पर लग गई है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है आज यहाँ तक पहुँचा है तो उसमें सरकारों की बहुत ही अनदेखी सरकारों की रही है। सरकारों ने इन लोगों को वोट बैंक के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इनको टाइम टाइम पर सुविधा देने की बात जरूर कही गई, लेकिन आज
इनको अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया है। बड़ा वोट बैंक यहां पर है और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं, तो उनको वोट बैंक के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया गया। स्कूल भले ही यहां पर दिए गए लेकिन आज वो सब अतिक्रमण की जद में है और उनको तोड़ा जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें आज है, जो देखते हैं, क्योंकि कल जो लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि सरकारों ने उनको गुमराह किया, पहले इसको मलिन बस्ती घोषित कर दिया, फिर उसको मलिन बस्ती से हटा दिया गया और अब जब जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई तो वहां से तोड़ने के आदेश जारी हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और ये देखना होगा कि ठीक है। तारा, हमारे साथ रहिए क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा और इस पर फैसला सुनाया जाएगा। आगे भी आपसे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अतिक्रमण मामले में सियासत लगातार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया है। छत छीनना कौन सी इंसानियत है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, मायावती इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी इस पूरे मामले में, अगर हम बात करें, जो तमाम अतिक्रमणकारी हैं उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। तारा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तारा, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस जमीन को लेकर, जहां से अतिक्रमण हटाना है, रेलवे उस पर दावा कर रहा है, किस बिहाफ पर यह दावा किया जा रहा है? क्या ऐसे दस्तावेज हैं जो रेलवे की तरफ से बताए जा रहे हैं जिसके बिहाफ पर यह दावा हो रहा है कि यह जमीन जो है वो रेलवे की है? और अगर रेलवे की जमीन है तो क्या सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? जो तमाम स्कूल्स बनवाए गए, हॉस्पिटल्स बनवाए गए, मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद है वहां पर। जी देखिए, सरकारों को इसकी जानकारी थी तभी सरकारों ने इन लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जब सरकार को भी इसमें पार्टी किया गया, हाईकोर्ट पर सरकार ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ा कि ये जमीन रेलवे की है, उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे अपने जो नक्शा लेकर यहाँ पर आते हैं रेलवे के अधिकारी, वो ये कहते हैं कि ये सारी जमीन अतिक्रमण की जद में है। जो लोग यहाँ पर बसे हुए वो ये कहते हैं कि 78 एकड़ तो जमीन नहीं है, हाँ पटरी से लगे हुए जो लोग, जो झुग्गी झोपड़ियां बनी है उनको यहाँ पर हटाना चाहिए, लेकिन पक्के मकानों को हटाना ये बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पक्के मकान बनाए गए अब बन चुके हैं, लोगों के पास उसके नक्शे हैं, लोगों के पास राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड सब मौजूद है और कई लोगों के पास तो उन मकानों के जो कागज हैं वो भी मौजूद हैं। उसके बावजूद अब रेलवे का इस पर दावा है और कोर्ट ने भी इस बात को सच मान लिया है कि ये जमीन रेलवे की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला इसमें आता है। हालांकि लोगों ने अपनी तरफ से जो भी दस्तावेज हैं वो कोर्ट में पेश किए हैं, क्योंकि पहले हाईकोर्ट में इस बात को लेकर, तोड़ने को लेकर जब बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग पहले भी गए थे और उसमें ये कहा गया था कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी बातों को नहीं सुना गया है, उनके दस्तावेज चेक नहीं किए गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसमें हाईकोर्ट को निर्देशित किया था कि जो लोग हैं उनकी शिकायतों को सुना जाए, उनके कागजों को यहाँ पर देखा जाए। चलिए ठीक है तारा, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खूब सियासत हो रही है और वहीं पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है, उनकी तरफ से क्या कहा गया और तमाम नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई, सुनिए जरा। देखिए, वो माननीय न्यायालय और रेलवे विभाग के बीच की बात है, रेलवे विभाग उसमें पार्टी है और राज्य सरकार कहीं उसमें पार्टी नहीं है। और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, चूंकि रेलवे और न्यायालय के बीच का मामला है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। नहीं, इसमें जो है हमने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद जो है तमाम संगठन, तमाम लोगों से जो है वार्ता किया है, बैठक लिया है, उनको जो है उनको माननीय न्यायालय के उच्च आदेशों से जो है वो अवगत करा दिया गया है और जो है इसमें अखबार में मुनादी भी दी गई है और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह जो है अपनी भी तैयारी स्वयं की कर रही है। कई बैठक जो है वो मेरे स्तर पर हमने कमिश्नर और हमने बैठकें किया है, डीएम एसएसपी ने अपने स्तर पर बैठकें किया है और जो है पुलिस प्रशासन ने जो है जो भी तैयारी, अगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जो है वो क्रियान्वित करने के इसमें जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन है मजबूत और इसमें जो है तमाम हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और
इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए हैं, और इसके बाद जो है सभी सेक्टर जोन्स की जो है गंभीरता से हम लोग आकलन कर रहे हैं कि मतलब कितने घर किस सेक्टर जोन्स में आ रहे, कैसे किस तरह से उनको वहाँ से हटाया जाएगा, और ये सब पूरा प्लानिंग जो है पुलिस प्रशासन ने इसमें किया हुआ है। फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। और 12:30 बजे पहुंचने के बाद पहले क्षेत्र का निरीक्षण करके उसके बाद 3 बजे की बस वार्ता रखी जाएगी प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। 10 लोग इसमें होंगे और 10 लोग में इसमें 3-4 विधायक हैं, एक सांसद है, और साथ में यहाँ के हमारे प्रदेश के नेतागण हैं। तो पहले लोगों से बात भी करेंगे, मुलाकात करेंगे, उसके बाद कार्यालय में आके प्रेस बात करेंगे। मैं फिर उपवास पर बैठ रहा हूँ, मौन उपवास पर बैठ रहा हूँ और अपने घर पर बैठूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक परिवार के बड़े के तौर पर लोगों को, आखिर हैं तो हमारे राज्य के नागरिक, उनके घर टूट जाएंगे इस ठंड में, कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य के मानवीय चेहरा दिखाई देना चाहिए। ये देवताओं की भूमि है, यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो फिर लोगों का दिल बहुत टूट जाएगा। 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। मामले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल सभी की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने निकल कर आता है। वहीं इस जमीन को लेकर रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जमीन रेलवे की है, दस्तावेज भी दिखाए गए हैं, पुराना मैप भी दिखाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन सब के बीच जब वहां पर लगातार अतिक्रमण हो रहा था तो 42 साल कैसे सिस्टम सोता रहा? इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर, सरकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल, लगभग 4 सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल है वहां पर, प्राइवेट स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, इतनी सारी वहां पर अगर चीजें बस जाती है तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? समय रहते हुए चीजें क्लियर क्यों नहीं की गई? इस पूरे मामले को लेकर अब खूब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, मायावती की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन ले, अगर कुछ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अतिक्रमणकारियों के अगेंस्ट आता है तो 50,000 लोगों की जिंदगी, 4,000 से ज्यादा आशियाने जो है वो दांव पर लग जाएंगे।